नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बहुत दिन से एक डिमांडिंग वीडियो है, इतने सारे लोग के क्वेश्चंस आते हैं इस एक टॉपिक के ऊपर कि भैया ये जो लोग भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, ये कैसे बता देते हैं, इनके पीछे की साइंस क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि विज्ञान के ऊपर जब तक कोई बात सटीक नहीं उतरती, तब तक लोगों के गले से बात जो है वो नीचे नहीं उतरती कि यकीन नहीं होता। बागेश्वर बाबा जब से आए हैं, बागेश्वर बाबा के पास गजब की सिद्धि है, आप सभी जानते हैं। ये तक बता देते हैं कि 5 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा, आप क्या एक्शन करोगे, क्या नहीं करोगे। मैंने बागेश्वर बाबा के लिए पहले भी एक बार मैंने बताया था कि ये जो सिद्धियां जिन लोगों के पास होती है, ये अपने मेडिटेशन टेक्निक्स को, अपनी मेडिटेशन की उपलब्धियों को किस तरह से जो लोग प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। पहले हम अपने उस ध्यान के किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये वैसे तो बहुत ही यूजलेस चीज है, मैं अगर आप आज आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो कर रहा हूं और आप सभी इस वीडियो को समझें, मेरे को, मैंने पहले भी कहा था कि एक भी ऐसा सिद्ध, ऐसा जो व्यक्ति जो किसी के भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जो आपके इस घटनाओं को बदल सकता है, घटनाक्रम को बदल सके, यानी कि कोई गलत नेगेटिव घटना आपके जीवन में होने वाली है तो क्या कोई उसको चेंज भी कर सकता है या सिर्फ बताया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने कहा कि वैज्ञानिक तौर पे विराट जी आप हर बात साइंटिफिक लेकर बताते हो, तो आप हमें इसके बारे में भी, इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, या सच में ये कोई धोखा है, इल्यूजन है, या कोई टेक्निक है, इन्होंने अपने, नहीं कहते कि इन्होंने अपने ही लोगों को वहां पर बिठाया होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनके कोई अपने लोग नहीं होते। आप भी जाओगे तो आपके भी विचारों को पढ़ करके आप क्या करोगे, क्या सोच रहे हो, क्या मन में चल रहा है, वो सब बता देते हैं, सब कुछ पता चलेगा। आपके जेब में क्या है ये भी बता देंगे। जितना ज्यादा जिसने अपनी उस इंद्री को एक्टिवेट किया है, उतना डीपली वो व्यक्ति बता सकता है। मगर इसका यूज क्या है, आप क्या सोच रहे हो, मैंने आपको बता दिया, तो इससे मैंने आपके नजर में अपना नाम तो बना लिया, मैंने अब दिखा दिया कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, मैंने आपका, आपकी सोच बता दी कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, जब एक योगी साधना करता है तो साधना करते समय जैसे जैसे वो शून्य में और गहरे उतरता चला जाता है, तो उसके जीवन को परमात्मा कहाँ ले जाना चाह रहा है उसको वो परमात्मा दिखाता है कि तू इसको देख, और अब अपने जीवन में आने वाले समय में क्या कर्म तुझे करना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या एक्शन एक योगी को लेना चाहिए, ये वास्तविकता में ये वो विज्ञान है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग जैसे ही इस ताकत को प्राप्त करते हैं, इमीडिएटली दूसरे लोगों के भगवान बन जाते हैं, इमीडिएटली दूसरे लोगों के मन के विचार उनको बताना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े आश्रम खोल लेते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियां बना लेते हैं, मगर किसी का भी भाग्य बदल नहीं पाते। कमाल की बात यह है, फिर उन्हें कुछ तो आपको एक डमरू बजाने के लिए तो देना पड़ता है कि जाओ कृपा होगी भला होगा, ये तो बताना ही है, पॉजिटिविटी तो आपको दे करके ही भेजते हैं, मगर जो विचारों को पढ़ने का विज्ञान है वो क्या है एक्चुअली में। तो आप जैसे जैसे साधना करते चले जाते हो, जितना गहराई में आप अपने सातों शरीरों को जीत लेते हो, अपने भीतर की जो कॉन्शियसनेस है पूरी तरह से, जब आप ब्रह्म शक्ति के साथ जब एक हो जाते हो, जो कंप्लीट वननेस है यूनिवर्स की, इसके बारे में मैं कई वीडियोस में आपको पहले बता चुका हूं, उस लेवल पे जाने के बाद आप करोड़ों हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के विचारों को भी पढ़ सकते हो, सिर्फ उसका ध्यान मात्र करने से कि वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उसके मन में क्या विचार आते हैं, ये सब आप जान सकते हो। आपको पहले ही परमात्मा उस चीज के बारे में क्लियर बता देता है। अब वो कैसे होता है, उसकी साइंस क्या है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे शरीर के अंदर हमारे 7 चक्र हैं, आप सभी को पता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, परमात्मा के साथ एक होते हैं। जब योगी उस लेवल पे आ जाता है, ऐसे नहीं कि आप आज आपने सोचना शुरू किया और आज ही आप उस लेवल पे पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इसमें कई साल ध्यान साधना करने के बाद जब आप एक सिद्ध पुरुष बन जाते हो, तब जाकर के आप उस चीज को फील कर पाते हो, मगर उसकी जो झलक है वो आप आज भी फील कर पाते हो। अभी भी आपको उससे साइंटिफिक तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप इस चीज को जान पाओगे कि आप कहते हो कि भैया मैं एक माताजी के पास गया,
उन्होंने मेरे सारे विचार, मेरे मन में जो चल रहा था सब बता दिया, कैसे हुआ ये। अब आप देखो कि जो भी आप सोचते हो अपने मन के अंदर, आप कोई मान लो सपोज करो कि आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना चाहते हो, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज होते हैं या वहां पे कोई आपका रिश्तेदार रहता है, आप उसके घर जाना चाहते हो, है ना। तो आप इमेजिन करते हो, एक पिक्चर अपने मन में क्रिएट करते हो, अपने मन के अंदर आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हो किसी भी घटना को लेके। हो सकता है कि आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, किसी लड़की के बारे में आपके मन में चिंतन है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उससे मेरी शादी हो रही है और मेरी उससे शादी हो जाए, तो आप उसके लिए इमेजिन करना शुरू करते हो। जब आप कोई चीज को इमेजिन करते हो, या लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, या आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप इमेजिन करते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा और यहाँ पे जाकर के मैं अपना नाम कमाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं ये क्लिनिक खोलूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा या फिर पैसे कमाऊंगा। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, वो कोई भी चीज हो सकती है। आपका अपना बिजनेस को लेके आप कहीं टूर पे जा रहे हो, आप इमेजिन करते हो कि वहां पे मैं इस होटल में अपना रूम बुक करूंगा, वहां पर मैं स्टे करूंगा, वहां पर मैं ये खाना खाऊंगा। कोई भी चीज आप इमेजिन जब करते हो तो आपके मस्तिष्क में, आपके अचेतन मन उसकी एक पिक्चर डेवलप करता है। मानते हो आप, जो भी चीज आप देखते हो तो आपका अचेतन मन, जो आप उस वक्त सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं मसूरी जाके ऐसा करूंगा, मैं अमेरिका जाके ऐसा करूंगा, मैं कनाडा जाके ऐसा करूंगा, कुछ कुछ आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी विशेज हैं, किसी को मिलने जाना चाहते हो, मैं उसको मिलूंगा, उसके बारे में आप पिक्चर्स क्रिएट करते हो अपने मस्तिष्क के अंदर। अब वो पिक्चर्स जो है वो कहीं डीप लेवल पे आपके अचेतन मन में स्टोर होती है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो चीजें जाती है। और जब आप जागृत होते हो, जब आपकी कुंडलनी जागृत होती है, या फिर आप जब रात को सोते हो, तो ब्रह्मांड आपकी वो एनर्जी उसी पिक्चर्स को देने शुरू करता है, वो फॉर्म्स वहां पर जाने शुरू करती है। फिर वो घटना अगर बहुत ज्यादा आपने आपकी अंदर की जो विलफुल डिजायर है, आप बड़े शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, तो बहुत ज्यादा एनर्जी उस पर्टिकुलर काम को मिलती है, फिर वो घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने इस चीज को समझा होगा। कई बार हम कहते हैं कि मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया, यानी कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि किस चीज का डर था, तो क्या होता है कि हम उसको नकारात्मक वे से देख रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए भगवान, ऐसा ना हो जाए मेरी जिंदगी में, तो वो भी अंदर भय के मारे वो चिंतन हमारे अंदर चलता है और अचेतन में चला जाता है, और अचेतन में जाकर के वो सामने उस व्यक्ति को अटैक कर देता है, उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन खराब हो जाता है, या बिजनेस की कोई नुकसान हो जाता है, कोई किसी के घर में फायर इंसिडेंट हो गया, वट एवर आप नेगेटिव सोचते हो कि भगवान ऐसा ना हो जाए। जब आप ऐसा ना हो जाए सोचते हो, तब भी वो पिक्चर डेवलप होती है आपके दिमाग में। अब आपका मस्तिष्क, जैसे आपका जो अचेतन चेतना है, आपकी जो प्राण शक्ति है, जो आपके अंदर आत्मा बैठी है, वही है वास्तविकता में। आप आंख बंद करके उस दृश्य को कैसे देख लेते हो, जब आप सोचते हो कि मैं किसी झरने के पास बैठ करके वहां पे मैं खाना खा रहा हूं और कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात ले रहा हूं, आपकी आंखें बंद हैं मगर फिर भी कहीं अचेतन में आप उस दृश्य को देख रहे हो, कैसे? जब आपकी आंखें ही बंद हैं तो आप उस दृश्य को कैसे देख रहे हो? अपने ही इस मन से, अपने अंतर शक्ति से, अपने अंतर स्मरण शक्ति से, अपने अंतर थर्ड आई से आप उस दृश्य को देख रहे हो अपने आज्ञा चक्र में। आप उस चीज, अभी वो घटना घटी नहीं है, अभी आप वहां गए नहीं हो, वहां क्या होगा, वहां वो व्यक्ति आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके साथ आपका कैसे आगे चलेगा, कैसे आप मिलोगे, कहाँ खाना खाओगे, कहाँ कुछ करोगे, कुछ नहीं पता। मगर अंतर एक इच्छा है, एक डिजायर है, जिसने उस पिक्चर को फॉर्म किया, उस पिक्चर को, उस पिक्चर को जैसे ही आपने उसको फॉर्म किया तो आपके अचेतन मन में वो मेमोरी जाकर के स्टोर हो गई। मगर वही चेतना जो अपने मन की उस फॉर्म को देख रही है, जब आप जागृत हो जाते हो ना, तो आप दूसरे व्यक्तियों की भी उसी फॉर्म को, वो जब अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय से क्या इमेजिन कर रहा है वो दृश्य आपको दिखाई देना शुरू कर देते हैं, या फिर वो व्यक्ति इस वक्त क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है इस वक्त, आप अपनी आंख बंद करके जब किसी व्यक्ति का ध्यान लगाओगे तो आपको चेतन मन इतना जब एक्टिवेट हो जाएगा आपका, तो आप उसको देख पाओगे कि वो व्यक्ति क्या कर पा रहा है। मगर वो इतना सूक्ष्म होगा, वो इतना बारीक होगा, उसको क्लियरली रिकॉग्नाइज करना ही सबसे बड़ी गेम है। जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्टिवेट करते चले जाओगे वो चीज, उतनी ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देने लग जाएगी,
आने वाली घटनाएं आपको दो चार महीने पहले ही आभास होने लग जाएंगी कि ये चीज मेरे साथ गलत होने वाली है। ध्यान में आप बैठोगे, किसी को लेके आपको नेगेटिविटी आ गई, यानी अब नेगेटिव दृश्य दिख गया, अब आप उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में मत लगना। वो ब्रह्मांड ने वो तय कर दिया है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत करना है। कोई घटना अगर आपको पहले ही दिखने लग जाती है, साधक की बात कर रहा हूं, जो आप साधक हो, आप साधना करते हो, खूब मेडिटेशन करते हो, खूब आपने अपने गुरु मंत्र के जाप किए, खूब आपने दान पुण्य सेवा इत्यादि सब काम कर दिए, अब आपके अंदर जो प्राण है वो इतना एक्टिवेट हो चुका है, आपका चेतन मन है इतना एक्टिवेट हो चुका है कि आने वाली घटना का आपको समय पूर्व आभास होना शुरू हो जाता है। आपको पता चलने लगता है कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ आप कुछ भी करने जा रहे हो लाइफ में, आपको पता चलता है कि ये पर्सन मेरे साथ अब पक्का गलत करेगा। अब आपको ये चीज दिखने लगी, अब आप उसको चेंज करने के लिए जो अपनी यथासंभव प्रयास कर सकते हो, अपने उस संबंध को, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने घर की किसी सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार को या उस व्यक्ति के लिए, कुछ भी आप अपने रिलेशनशिप को या अपने परिवार के कितने भी सदस्यों के ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, कोई कुछ ऐसा नेगेटिव आपने देखा है कि मतलब मेरे घर में कोई नेगेटिव चीज हो सकती है, तो आप उसके लिए जो बचाने का जो प्रयास आप कर सकते हो। और एस्ट्रोलॉजी में हम बताते हैं कि जिस व्यक्ति का केतु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी ये पावर बाय बर्थ उसके अंदर होती है। कईयों की बहुत ज्यादा होती है, कईयों की साधना द्वारा आ जाती है। तो ये तो चीज है। अब सेम इसी तरह कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ सोचता है, कुछ बात बोलता है, जैसे आप अपने मन में सपोज करो कि आप अपने मन में कोई गाना गा रहे हो, कुछ भी सोचो आप अपने मन में, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड कुछ सोचो, कोई कुछ भी, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, बॉम्बे जाना चाहता हूँ, वहां मैं ऐसे करूं, कुछ भी सोचो आप, मगर मुंह से मत बोलो, सिर्फ आप उस चीज को सोच रहे हो मगर अभी तक आपने उसका उच्चारण नहीं किया, उसको बोल नहीं डाला, मन में कहीं डीप चल रहा है, आपके अंदर ही सबकॉन्शियस में वो विचार चल रहा है, मगर आपके ये दोनों कान तो उस वक्त नहीं सुन रहे, कोई साउंड आपको नहीं आ रही, फिर कौन सी चीज है जो आप जो बोल रहे हो उसको सुन भी रही है, और अब आपकी ही आवाज आपको आ रही है, जो आपकी आवाज है ना, जब आप बोलोगे तो आपको अपनी ही आवाज आएगी, खुद की आवाज आएगी, किसी और थर्ड पर्सन की आवाज नहीं आएगी। जब आप किसी और पर्सन को सुनना चाहोगे तो आपको उसकी भी आवाज आएगी। आप अपनी मदर को याद करो, अपने फादर को याद करो और उनसे डीप कनेक्शन बिल्डअप करो और उनसे बात करो, अपने मन की उनसे बात कहो, क्या आंसर आते हैं उसको सुनो, आप अपने सारे आंसर्स को सुनो कि वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वो पर्सन आपकी फैमिली में मदर फादर है, आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है आप उसको देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो आप। वो चीजें आपको परमात्मा पहले ही दिखा देगा, कोई चीज आपके साथ सही हो रही है या गलत हो रही है, आपका दिल उसको एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, आप इस चीज को देख सकते हो। मैं अपने साधकों के लिए आज का ये बहुत गहरा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो आप मन में सोचते हो आपका अचेतन मन उसको सुनता है आप ही की आवाज के अंदर। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पर्सन की वो क्या सोचता है उसको भी सुन सकते हैं। वो आपको मन में गाली दे रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, वो आपसे गुस्सा कर रहा है, आपको पहले ही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। आपके आगे कितने झूठ बोल रहा है, आपकी अपनी बातें छुपा रहा है, आपसे कुछ भी वो कर रहा है ना, आप जितने एक्टिव होते चले जाओगे ना अंदर से, जितनी शक्तियां जागृत होंगी आप सामने वाले पर्सन को भी सुन सकते हो। यही है वननेस। मगर ये तब जागृत होगा जब पूरी सृष्टि के प्रति आपका प्रेम होगा, यानी आप किसी दूसरे को अपने से भिन्न मानना जब बंद कर दोगे, यानी सबको एक ही मानोगे, पूरा एक ही अस्तित्व मानोगे, उसको फील करोगे भीतर से, आंख बंद करके ध्यान में दोनों हाथ फैला करके सभी को अपना अपार प्रेम सेंड करोगे, अपना अनकंडीशनल लव भेजोगे, हे परमात्मा ये सब मैं हूं, ये सब कुछ मैं हूं, सभी का भला कर, मेरा किसी ने अच्छा किया बुरा किया उसका भला कर, मुझे मैं मेरा प्रेम उसको प्रवाहित हो। आपके हार्ट चक्रा उसके लिए खुल जाना चाहिए, और जो आपके साथ गलत करते हैं, जो आपके साथ, हम कहते ना पहले फॉरगिव करो, सभी लोगों को फॉरगिव करो, क्योंकि आप यहां पर हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके कुछ ना कुछ गिव एंड टेक्स अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम भी इसी वजह से होते हैं, सब कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई भी रिश्ता आपके जीवन में आया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पिछला रहस्य है, वो भी आपको पता तब चलेगा जब आप उस स्टेट में जाके चले जाओगे। आप परमात्मा से ये भी कह सकते हो कि किसी व्यक्ति के साथ आपका कुछ संबंध खराब हो गया, तो आप ये भी देखो परमात्मा मुझे दिखाओ कि कब मेरे से क्या गलती हुई थी, किस वजह से वो व्यक्ति मेरे से नाराज हो गया,
किस वजह से मेरा उससे रिश्ता खराब हो गया, और मेरा बेटा अगर मेरे से बात नहीं करता या मेरा पति पत्नी मेरे से बात नहीं करते, नाराज हैं, तो आप अपने उस अचेतन में डीप गहरे जब उतरते जाओगे, मेरे को परमात्मा मेरे को अपने पास्ट लाइफ में लेकर के जाओ, ऐसे बोलो कि मैं पीछे जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस व्यक्ति के साथ कब मेरा कौन सा कर्मों का संबंध था। आपके अंतर चेतना को पूरा स्मरण है, आपकी अंतर चेतना को क्लियर स्मरण है जब वो घटना उस चेतना के साथ आपके जीवन में घटी थी। इमीजिएट धीरे 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 2-4 महीने के अभ्यास के अंदर आप इन सूक्ष्म जगत में ट्रैवल करना शुरू करोगे। इसी को कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। जो एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल यही है। एस्ट्रल ट्रैवल ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो शरीर छोड़ के बाहर कहीं चली जाएगी। आत्मा एक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्म तत्व है, वही आपके मेरे इस चराचर जगत में सभी के अंदर वही तत्व है। मगर जब हम उससे कनेक्ट होने लगते हैं तो जैसे जैसे हम अपनी इच्छाएं अपने डिजायर्स को छोड़ देते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर एक इटर्नल लव जागृत होता है, वही वास्तविकता में प्रेम है। इसी को ओशो ने भी प्रेम कहा। जब हम पूरे अस्तित्व के लिए बह जाते हैं, यानी कि सभी को अपने भीतर समा लेते हैं, हम किसी से दूसरे नहीं हो जाते, कोई हमसे दूसरा नहीं हो जाता, ये नफरत का जो घृणा का जो अंदर एक सिस्टम हमने बनाया हुआ होता है वो जब पूरी तरह से स्ट्रक्चर टूट जाता है, वो क्रिस्टल बॉल जब ब्लास्ट हो जाती है हमारी, फट जाती है, तो फिर हम पूरे जराचर जगत के साथ एक हो जाते हैं और वहां पर हम किसी भी चेतना के साथ जुड़ करके इमीडिएटली अपने उसके संबंध को तो जरूर देख सकते हैं। और इस पावर को धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये पावर बढ़ती चली जाती है। अब इसका डिस्क्लोजअप नहीं करना चाहिए, किसी के पास ये एनर्जी आ भी जाए ना तो उसको, अगर आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन सच में गलत करने वाला है या, तो एकदम से रिएक्ट मत करो, इस चीजों को अपने अंदर रखो। क्योंकि हम कई बार जब हमें नए नए चीजें मिलनी शुरू होती है ना, तो हम बड़ी जल्दी उसके पैनिक में आ जाते हैं, बस ये तो गलत हो गया, और इमीडिएटली हम वैसा ही रिएक्शन देना शुरू करते हैं जिसकी वजह से वो घटना ना भी घटनी हो किसी कारण, वो चेंज भी होना हो, अगर फिर भी हमारी जिंदगी में वो हम ले आ जाते हैं और वो दुख बन के फिर हमारे को दुखी करता है। तो ये जो चीजें हैं एक साधक को समझनी है कि कैसे हम 50,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी अपना रिश्ता बना सकते हैं, अपने मन की बात उस तक पहुंचा सकते हैं और हम उसकी बातों को भी सुन सकते हैं। आपने जो टेलीपैथी आपने शायद सुना होगा, टेलीपैथी कुछ और नहीं है, टेलीपैथी यही है। टेलीपैथी किसी व्यक्ति के साथ, हर किसी के साथ नहीं सच जाती। जिनके साथ आपका सच में हार्ट कनेक्शन होगा ना, तो आप दोनों के दिल जुड़ जाएंगे। चाहे जैसे एक माँ का कनेक्शन अपने बेटे के साथ जुड़ जाता है, पति का कनेक्शन पत्नी से जुड़ जाता है, प्रेमी प्रेमिका का जुड़ जाता है ना, तो ये गुरु शिष्य का जुड़ जाता है। जिससे आप जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतना, जिससे के लिए हार्ट चक्र, ये कनेक्शन सिर्फ हार्ट चक्र से होता है, थर्ड आई से ये कभी कनेक्शन नहीं होता। थर्ड आई इज ऑब्जर्वर, थर्ड आई उस चीज को देखने का कार्य करती है, ये आपको दिखाएगी। और देखेगा कौन? आप स्वयं, आपका जो प्राण है वही उस चीज को, इसी सिक्स सेंस के माध्यम से उस चीज को देख रहा है कि क्या घटने वाला है। और न जाने वहां पर कितना कुछ भुचाल होता है, कितनी क्लैरिटी जो है वो आने में बहुत साल लग जाते हैं। जो लोग बहुत छोटी उम्र में साधना शुरू कर देते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा जी हैं, वो 7-8 साल की आयु में उनकी दीक्षा हो गई थी और ब्रह्मचर्य पालन करते रहे और गुरु मार्ग में रहे, खाना पीना बहुत शुद्ध रहा। ठीक है, जिस प्रकार आपका खान पान होगा, जिस प्रकार का आपकी जो बैक जर्नी होगी पास्ट लाइफ की, वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और आपकी कुंडली में इसके ग्रह योग भी होते हैं, हर किसी को नहीं प्राप्त होती है विद्या, ये विद्या हर किसी को प्राप्त नहीं होगी। इस विद्या के लिए आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं। जिस चीज से ये रुकावट बनी हुई है आपकी साधना में, आप उन चीजों को करके अपने उन नेगेटिव प्लैनेट्स की ऊर्जा को कम कर सकते हैं। जैसे कि अब राहु है या शनि है, ये जो प्लैनेट्स है, जो ब्लैक एनर्जी है, ब्लू एनर्जीज है, जो ब्राउन कलर की जो राहु की जो एनर्जीज है, ये आपको इन चीजों से एक चश्मा बना देती है आपकी आंखों के आगे, जिससे आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। इस एनर्जी को रिमूव करने के बहुत सारे उपाय मैंने बताए हुए हैं। ये एनर्जी जैसे जैसे आपके ऑरा को साफ करती जाएंगी, धीरे धीरे आप इसमें जब डिजायर लेस हो जाओगे, जितना ज्यादा डिजायर लेस होगे तभी आप उस चीज को देख पाओगे। अगर आपके मन में एक इच्छा भी अटकी भी है ना, तो आप नहीं देख पाओगे उस वक्त, आप उस कनेक्शन आपका यूनिवर्स से नहीं बनेगा। अब होता क्या है, कहां अटक जाते हैं साधक, जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा होता है, जब ध्यान में बैठते हैं तो पहले वही सब आ जाता है।
यानी उससे क्लियर होने में आधा घंटा एक घंटा लग जाता है, इतने में पता चला भाई ऑफिस का टाइम हो गया, अब ध्यान तो कर नहीं पाएंगे। तो ये जो मार्ग है ना बेटा जी, ये पूरी जिंदगी देने का मार्ग है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 20 मिनट आधा घंटा भगवान पे एहसान कर लिया और आपको भीतर की शक्तियां दिखने लग जाएंगी, इसमें बहुत समय लगता है। मैं अपनी भी बात करूं ना तो मेरा भी, मैं इसको ये बोलता हूं कि 15-20% एक्टिवेट है, मैं भी अभी तक इसमें उस लेवल पे नहीं पहुंचा। और सच बताऊं मैं बस इसी लेवल के लिए ही कार्य कर रहा हूं। वो किस लिए कर रहा हूं, बस एक शौक है, क्योंकि जो जो मेरी रिसर्च होती है मैं हमेशा कुछ ना कुछ खोजता रहता हूं, और मेरे को इसका कोई गुरु नहीं मिला इसके लिए। मैंने जो मेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिनके पास ये सिद्धियां थी, मगर मैं उनके पास जब जाता था वो मेरे को सब कुछ बता तो देते थे, मगर उन्होंने मेरे को कभी इसका रहस्य नहीं दिया। उन्होंने कोई भी साधना चिपका दी, ये कर लो वो कर लो, मगर एक्चुअल सीक्रेट नहीं दिया था। ये एक्चुअल सीक्रेट मेरे को अंतर से ही मिला था, ये मेरे भीतर जो भोलेनाथ है उन्होंने ही मुझे ये दिया। जब ऐसी कुछ चीजें होने लगी मेरे सामने, कुछ बार ऐसा होता था कि मैं ऐसे ही रोड पे चल रहा होता था और अचानक मुझे मेरा एक फ्रेंड दिखाई देने लगता था, उसकी छवि मेरे सामने प्रकट हो जाती थी, और जैसे ही प्रकट होती थी विद इन 10 सेकंड के अंदर उसका फोन मेरे पास आता था, मुझे वो क्लियर सामने से दिखाई देता था, उसकी आवाज आती थी, पहले ही आवाज आ जाती थी वो क्या बोलने वाला है, उसके मन के थॉट्स, ये जो चीजें मेरे साथ होने लगती थी। आज मेरा कोई साधक मुझे याद करता है, इमीडिएटली सुबह मैं बैठता हूँ तो मेरे हार्ट से एनर्जी उनकी तरफ खींचने लग जाती है, मेरे को मेरी एनर्जी जब शक होने लगती है तो मेरे को पता चलता है कि अब मेरा कोई साधक जो है वो मेरे से जुड़ के साधना कर रहा है। इमीडिएट पता चल जाता है, इमीडिएट उसका थॉट याद आ जाता है। कई बार मैं उनको फिर मैसेज करता हूँ और बेटा क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो। तो ये होता है, ये जब चीजें आपके साथ जब होने लगेगी आपको पता चलेगा, आप ध्यान में बैठोगे आपको वही व्यक्ति का थॉट उस वक्त आ रहा होगा जो आपको बहुत शिद्दत से बहुत दिल से आपको याद कर रहा है। ये जो चीजें हैं यही आपका हार्ट कनेक्शन है, यही जब डेवलप होता जाएगा आप कंप्लीट यूनिवर्स। अब यहाँ पे फंसना मत कहीं एक व्यक्ति के साथ, अब ये लग मत जाना उल्टी पुल्टी साधनाएं करने में। कोई सीक्रेट बताता हूं तो उसका मतलब है कि उसको समझ के उससे आगे चले जाओ, उसमें स्टक नहीं होना है। जब स्टक हो जाओगे किसी एक साधना में, किसी एक विद्या में, तो बहुत बड़ी विद्या से चूक जाओगे। जो ये सब खत्म होके जाना है यहाँ पर, जैसे ही तुम्हारी बॉडी जिस दिन डेड हो जाएगी, ये सब कुछ जो भी प्राप्त किया था ये सब यहीं नष्ट हो जाएगा, एक रत्ती भी साथ नहीं जाएगी। साथ जाएगा आपकी वो जो वननेस है ना, वो अगर कमा ली तो वही आपके साथ जाने वाली है। तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से जो मिल रहा है ना उसको लपेटते जाओ, और फालतू की चीजों में मत अपनी एनर्जी वेस्ट करना। कोई सिद्धियों के मार्ग में कोई सिद्धि आ भी जाए, चुप करके उसको साइड पर रख दो, बोलो माता रानी मुझे नहीं चाहिए, बस मैं जैसे अपनी साधना कर रहा हूँ बस होने दो। क्योंकि माँ की साधना है, 64 योगनियां है, ना जाने क्या क्या माँ झोलियां भर भर के देती है, ठीक है। तो कोई लालच ऐसा नहीं करना है, और श्री विद्या की साधना करते करते बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन में वो प्राप्त करके जाओगे जिसका अंत अभी आपने सोचा नहीं होगा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है। किसी का विचार पढ़ के क्या पालोगे, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो वैसे भी कर देगा बुरा, और आपको पता चल गया तो भी कर देगा। फिर बताओ क्या प्राप्ति क्या है इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा आप उससे अपना संबंध तोड़ लोगे, कोई और कितने लोगों से तोड़ोगे, पूरा संसार ये जागृत होकर के फिर भी अपने कर्म से नहीं भाग सकते आप। कर्म का फल तो अटल है, वो मिलना ही मिलना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि कई फल ऐसे होते हैं वो आपको उस वक्त दिखेगा ही नहीं, जो आपके साथ होनी ही होगी ना घटना। तो आपने देखा नहीं क्या, बागेश्वर बाबा जी गंगा में जाने लगे तो उनका पांव सड़ गया और उसमें खड्डे में जा गिरे, तो वो क्यों नहीं देख पाएगी अगले एक मिनट में मैं गिरने वाला हूँ, तो नहीं देख पाएगा कोई। जब जो कर्म घटना है ना वो नहीं घटेगा, उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान हट गया। ध्यान हटता ही तो है, जब मृत्यु आती है तो एक क्षण के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, एक क्षण के लिए ही ध्यान हटता है। इतना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब वो समय आना है, अच्छा कुछ मिलना है, तो भोलेनाथ आपकी झोली भर देते हैं। और जब दुख का समय चल रहा होता है ना, जब आपकी परीक्षा चल रही होती है, तो ये बात समझ लेना उस वक्त लाख जो मर्जी कर लेना, उस वक्त वो चीज आपके अगेंस्ट ही रहती है, वो पॉजिटिव नहीं होती। तो वेट करना चाहिए, भगवान की झोली में छोड़ देना चाहिए, भगवान के चरणों में डाल देना चाहिए उस कर्म को, उस हर संबंध को, जो भी घटना हमारे जीवन में हो रही है सब भोलेनाथ पर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो एक बार, फिर देखो क्या होता है। फिर जो उसने सोचा होगा ना वो दी बेस्ट होगा, हमेशा दी बेस्ट होगा। साधना करते रहना तभी दी बेस्ट होगा, ये मत सोचना कि भाई छोड़ दिया मैं तो साधना भी नहीं करता, ये भी छोड़ दिया फिर भी कुछ मिलेगा।
ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। जो भी लोग ऐसे तांत्रिकों के और बाबाओं के चक्रों में फंसे रहते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सब हमारे अंदर की साइंस है। ये एक ध्यान योग जो करते हैं उन लोगों की भीतर जागृत होती है, और आपके भीतर भगवान ने यही क्षमता रखी है। ये जरूरी नहीं आपको लोगों के पास ही भागते रहना पड़ेगा, आपके भीतर ही ये क्षमता भगवान ने रखी है। तो यूज नहीं होना, सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करना है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।